हेलो दोस्तों, आज हम दिखाएंगे प्रेशर स्विच कंपैरेटर में कैसे कैलिब्रेशन किया जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारा कंपैरेटर, ये आप देख सकते हैं। इसका है ये लीवर, ये है रिजर्वर, और हम इस कंपैरेटर का दो साइड है। एक साइड में जो स्विच हम कैलिब्रेशन करेंगे वो साइड लगाया हुआ है, दूसरे साइड में हम मास्टर गेज लगाया हुआ है इसमें। तो मेरा स्विच जो है ये 3 kg में सेट होगा, तो इसके लिए मैंने 6 kg का गेज लगाया है। जैसे जैसे गेज का रेंज बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, उसके स्विच का रेंज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, गेज का भी ऐसे ही इसका रेंज जो है अभी 6 kg है, तो ये रेंज भी इसका भी बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। इसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मास्टर गेज रहते हैं, ये सब हम लोगों का मास्टर गेज इधर रखा हुआ है, देख सकते हैं 40 kg का है ये, और भी है ये 2.5 का, 400 kg तक गेज हम लोगों के पास इधर है, 0.16 से 2.5 है, ठीक है। और तो इसमें हम कैलिब्रेशन ऐसे करते हैं, तो इस तरफ स्विच लगाया हुआ है, ये रिजर्वर जो है इसमें ऑयल होता है, इसमें जो है ऑयल होता है, तो ये पंप के जरिए हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं इसको घुमा के, तो दोनों तरफ में सेम प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसका मास्टर गेज का रेस्पेक्ट में हम लोग इस स्विच को कैलिब्रेशन करेंगे। अब इसको हमको मुझे इसको 3 kg में सेट करना है, तो हम इधर प्रेशर रिजर्वर को लॉक किया, अब हम प्रेशर इसको उठाएंगे और स्विच में ब्रेक करने के लिए चेक करने के लिए हम लोग एक बजर लगा दिया है यहाँ पर। इसका जो कॉन्टेक्ट स्विच है, माइक्रो स्विच जो है, तो इस स्विच में हम लोग ये वायर से हम जोड़ दिए है ये बजर। अब हम चेक करेंगे इसको घुमा के, प्रेशर उठाएंगे, तो आप देखते जाइए प्रेशर उठ रहा है, काम हो रहा है, तो प्रेशर उठता जा रहा है, अभी हमारा फॉर्म का जो है चाल जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए ये 3 kg का हम सेट करेंगे, ठीक है, 3 kg तक आ ही गया, ओके। और देखिए 3 kg होते ही बाजार बज गया है उसका, और इसका रीसेट चेक करना है, रीसेट कितने में हो रहा है, फॉर्म को हम रिलीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे प्रेशर का, और ये रीसेट हो रहा है 2.6 में, कैसे चेक कर रहे हैं प्रेशर, कैसे हम इसको घुमा के प्रेशर इसको देख रहे हैं, सेट हो रहा है ये, टू पॉइंट 9.5 में ये सेट ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसको हम अगर चेंज करना है तो ये जो है इसको घुमा के, इसको घुमा के हम इसका रेंज जो है ये स्केल में आप देख सकते हैं, ये बड़ा या घटा जा सकता है इससे बड़ा। तो मेरा ये स्विच जो है एक्चुअली 3 kg में सेट करना है, और ये 3 kg में सेट है, इसीलिए इसको हम और एडजस्ट नहीं करेंगे यहाँ से, ये रेडी है, हम खोल लेंगे और दूसरा स्विच के लिए अब अप्लाई करेंगे। थैंक यू।